हरदा जिले के छिपौड़ पुलिस थाना क्षेत्र में बीते दिनों आरोपी द्वारा 5 साल की मासूम नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर समूचे सैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। सैन समाज द्वारा जगह जगह रैली, प्रदर्शन, ज्ञापन देकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और आरोपी के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय में प्रकरण चलाया जाकर फांसी दिए जाने के संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है। शनिवार को सर्व सैन समाज के लोगों ने अपना व्यवसाय बंद कर नगर पंचायत चौराहे से SDM कार्यालय तक रैली निकालकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन देते हुए समाजजनों ने चेतावनी दी है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। समाज को संदेश दे कि कल से कोई भी दरिंदा, कोई भी कुल मानसिकता वाला व्यक्ति, हमारी बहन बेटी, चाहे वो हमारे समाज की हो चाहे अन्य समाज की हो, उसके ऊपर नजर भी उठाए तो सारे को इतनी खतरनाक सजा दी जाए कि दूसरी बार कोई भी आदमी इस टाइप के कृत्य करने की हिम्मत ना करे। मैं सभी सैन बंधुओं और समाजजनों के समक्ष माननीय SDM साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं। पहले उसका वाचन कर रहा हूँ। सर्व सैन समाज संगठन मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड कन्नौज की ओर से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमान अनुविभागीय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।